खरगोन जिले में शिव मंदिर विश्वेश्वर की स्थापना सन 1962 में हुई थी। वर्तमान में गांव के नागरिकों ने पुनर्निर्माण करवाया। यह मंदिर ग्राम डोंगरगांव एवं आसपास के कई ग्रामों के लोगों का आस्था का केंद्र है। गांव के लगभग सभी नागरिक विशेष रूप से महिलाएं एवं बच्चे प्रतिदिन श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। सोमवार का व्रत महिलाएं रखती है, पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं। इस मंदिर में पुनर्निर्माण की लागत को देखकर यह मुमकिन नहीं था कि गांव में नागरिक इतनी राशि एकत्रित कर सके, लेकिन भगवान विश्वेश्वर महादेव की असीम कृपा से गांव में नागरिकों ने 75 लाख रुपए की राशि एकत्रित कर इस कार्य को मुमकिन कर दिखाया है। गांव के नागरिकों को यह कार्य किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है। नागरिकों को विशेषकर युवाओं के मन में मंदिर के प्रति आस्था का विश्वास बढ़ता जा रहा है। यहाँ आए दिन धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्साह उमंग के साथ आयोजित किए जाते हैं। डोंगर गाँव से संवाददाता की रिपोर्ट। हमारे डोंगर गांव के डोंगराम का ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ के नागरिकों की लोगों की आस्था का केंद्र है ये। लेकिन इसका जीर्णोद्धार करने का हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, लेकिन यहाँ की आबादी, ये गांव जो है कृषक लोगों का गांव है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कुछ बड़ा था और इसकी लागत भी काफ़ी आ रही थी, लेकिन ये चमत्कार से कम नहीं है कि गांव के लोगों और युवाओं का उत्साह है। 75 लाख की लागत से इस भव्य शिवालय का निर्माण पुनर्निर्माण करवाया है। ये पहले से बहुत प्राचीनकालीन चला आ रहा था, वो भी जीर्ण जीर्ण हो चुका था और युवाओं ने उनके जोश के साथ और बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग रहा और इसका 75 लाख की लागत से भव्य शिवालय का पुनर्निर्माण हो चुका है। लगभग 1962 में यहाँ एक महाराज जी आए थे, हुआ था जो समय के साथ युवकों और बड़े बुजुर्ग सभी वर्गों का पूरा सहयोग, पूरे उमंग और पूरे जोश के साथ इस निर्माण के लिए संकल्प हुए और ईश्वर की असीम कृपा थी, बस्ती अपने उद्देश्य में सफल हुई और आज भव्य मंदिर निर्मित होकर खड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।